वेलकम गाइस, मैं हूं अशोकन। वेलकम टू आवर वीडियो। हमेशा की तरह आज भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। हम लोग एक्चुअली प्रेडिक्शंस करने वाले हैं कल के मेन इवेंट के बारे में, उस्मान वर्सेस मैसविडल। भाई लोग, पहले से बता देते हैं कि इन दोनों फाइटर्स के मामलों में, मैसविडल और उस्मान, अगर हम प्रेडिक्शंस करने की सोच भी रही हैं तो बेवकूफ़ी होगी। ओके, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि दोनों के दोनों फाइटर्स ना अभी अपने करियर पे इस स्टेज पे हैं कि दोनों के दोनों एकदम टॉप फॉर्म में हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो प्रेडिक्शंस करना ही बेवकूफ़ी होता है। बट हम लोग थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, अगर पहले से बता देते, अगर कुछ गलती हो गया तो भाई हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, हैं, बच्चों से गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग बस ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों, मैसविडल उस्मान, दोनों ही टॉप फॉर्म में हैं इस जो करियर के जिस स्टेज में है ना। जैसे कि फॉर्म बोले तो, जैसे होता है ना, सचिन तेंदुलकर फॉर्म में है तो उनको कोई रोक नहीं सकता, धोनी साहब फॉर्म में है तो कोई रोक नहीं सकता, कोहली फॉर्म में है तो कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही दोनों के दोनों, उस्मान मैसविडल, दोनों के दोनों टॉप फॉर्म में है, तो उनका फाइटिंग भी वैसे ही रहेगा, तो कुछ भी हो सकता है। फिर भी हम लोग थोड़ा प्रेडिक्शंस करने की सोचेंगे। तो इससे पहले भी गेजी टोनी फर्गुसन के केस में हम लोगों ने सब 99% लोगों ने, मुझे याद है अभी भी, सोचा था कि टोनी फर्गुसन जीत जाएंगे, ठीक है, बट हुआ कुछ और, गेजी जीत गए थे। तो वैसे ही प्रेडिक्शंस करना बेवकूफ़ी होता है, बट हम लोग ट्राई करेंगे। बट बोलने से पहले हम लोग बोल देता है, अभी भी बोलते हैं, उस्मान मैसविडल के केस में अभी भी 50-50% चांस है भाई, 50-50। उस्मान जीतेगा 50% चांस है, मैसविडल जीतेगा 50%। तो आप पूछेगा फिर क्या प्रेडिक्शन कर रहा है तुम, बताएगा। ओके, हम लोग बताएगा कि उस्मान क्या करने के चांसेस हैं और मैसविडल क्या करने के चांसेस है। पहले उस्मान से स्टार्ट करेगा। ओके, कमारू मार्टी उस्मान, राइट। तो क्या है, देखिए, उस्मान अगर इंटेलिजेंटली लड़ेगा, लॉजिकली लड़ेंगे, तो एग्जैक्टली खबीब की तरह लड़ेंगे, क्योंकि खबीब की तरह उनका भी रेसलिंग वर्ल्ड क्लास है और मैसविडल का भी रेसलिंग डिफेंस सब सही है, बट बेसिकली मैसविडल एक स्टैंड अप फाइटर है, किकबॉक्सिंग करता है। ओके, तो उनके साथ उस्मान रेसलिंग करने की कोशिश करेगा, एग्जैक्टली लाइक खबीब की तरह। ओके, थोड़ा बहुत देखेगा हर एक ग्राउंड में, स्टैंड अप फाइटिंग करेगा और उसके बाद मौका मिलते ही टेक डाउन कर देगा और वहां पे ग्राउंड पे मैसविडल को स्मैश करने की कोशिश करेगा उस्मान थ्रू आउट द 5 rounds। और मोस्टली मुझे लगता है ना 95-99% डिसीशन जाएगा, ये पूरा 3 या 5 round जाएगा, ठीक है। तो ये उस्मान का गेम प्लान रहेगा कि पूरा का पूरा रेसलिंग ट्राई करेगा खबीब की तरह, डिट्टो खबीब की तरह। बट अगर प्रॉब्लम है कि अगर उस्मान, आपको पता ही है, दोनों के बीच में बहुत खुन्नस है, गुस्सा है, हेटरेड है, अगर उस्मान गुस्से में आके स्टैंड अप फाइटिंग करेगा तो फिर उस्मान को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होएगा, क्योंकि मैसविडल इज इन टॉप फॉर्म स्टैंड अप गेम में, ठीक है। आपने देखा ही होगा नेट डियाज को कैसे ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो उस्मान लॉजिकली देखा जाए, अगर हम इंटेलिजेंटली सोचे, तो उस्मान खबीब की तरह ही, आप नोट करके रख लीजिए, खबीब की तरह ही रेसलिंग करने की सोचेंगे, ठीक है। उस्मान के लिए ये अच्छा होगा, 50% वहाँ गया, ठीक है, 50% बोलता है उस्मान का जीतने का चांस। अभी मैसविडल का भी 50% चांस है। आपको पता है मैसविडल क्या करेगा, मैसविडल को भी पता है ज़्यादा उस्मान के साथ खेलेगा तो रेसलिंग करना पड़ेगा, तो मैसविडल पता है क्या करेगा, जितना जल्दी हो सके, आप नोट करके रख लीजिए, जितना जल्दी हो सके उस्मान को नॉकआउट करने की कोशिश करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा, जितना जल्दी बोले तो फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में, उससे ज़्यादा गया तो मैसविडल को प्रॉब्लम पड़ेगा भाई। इन पहले 2 rounds में उस्मान, मैसविडल उस्मान को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, आइदर नॉकआउट या TKO, रेफरी स्टॉपेज, कुछ भी हो, पहले 2 round में। मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, आपको याद होगा 2019 में मैसविडल का बेन एस्करेन के साथ फाइट हुआ था। बेन एस्करेन एक वर्ल्ड क्लास रेसलर हैं। आपको पता है मैसविडल ने क्या किया, फटाक से विद इन सेकेंड्स नॉकआउट कर दिया बेन एस्करेन को। ओके, क्यों? क्योंकि उनको पता है
ज़्यादा अगर फाइट डिले होगा तो रेसलिंग करना पड़ेगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मैसवडल क्या करेंगे, पहले या मैक्सिमम सेकेंड राउंड में ख़त्म करने का सोचेगा, नहीं तो मैसवडल को प्रॉब्लम पड़ेगा। तो यही है भाई अपना छोटा सा प्रेडिक्शन, देखते हैं कल क्या होता है। ओके, अभी भी हम बोलते हैं उस्मान मैसवडल 50-50% चांस, बट जैसे वो लोग फाइट करेगा ना, हम लोगों को लगा ऐसे ही फाइट करेगा, हम लोग बैठ के सोच रहे थे और हमारा जो पूरा टीम मेंबर्स थे बैठ के सोच रहे थे, और फिर हम लोगों को यही लगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप भी बताइए, आप भी कमेंट कीजिए, आप भी प्रेडिक्शन करिए कमेंट में, हम भी देखते हैं और देखते हैं किसका प्रेडिक्शन सही होता है। आई सी यू गाइस टुमारो।